लोकसभा चुनाव को लेकर अब केवल छठवें और सातवें चरण के लिए मतदान बाकी रह गया है। लोकतंत्र के इस महापर्व के अंतिम दो चरणों में चुनावी परिणाम भी टिका हुआ है, लिहाजा सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपनी पार्टी को जीत दिलाने मोर्चा संभाल लिया है। अब बघेल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने दिल्ली रवाना हुए, जहां से वे हिमाचल जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले बघेल ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 310 सीट जीतने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वीकार किया कि वायनाड और रायबरेली से जीत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सही समय में निर्णय हाईकमान ले लेगी कि किस सीट को रखेंगे, किस सीट को छोड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि उनकी बहन को देंगे। देखिए, वो हाईकमान के ऊपर है कि वो कौन लड़े। यदि प्रियंका जी लड़ना चाहती तो इसी चुनाव कौन रोक रहता। हाईकमान और उनके बीच की बात है, ये बहुत हम लोग इस तरह की बात नहीं, ऊपर ये फैसले होते हैं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप रायबरेली के भी चुनाव संचालक रहे हैं, ऑब्जर्वर रहा जी, वहाँ आपने चुनाव प्रचार भी देखा किया भी राहुल गांधी के लिए, और वहाँ से आपने कहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, हमारी सरकार आती है जी। पूरे रायबरेली की जनता का ये है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, उनका भी मत है। और मैं तो आपसे नहीं, पिछले पांच साल से आप देखेंगे हर बार मैं कह रहा हूं कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा बघेल ने प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर भी बड़ी बात कह दी, ये भी सुनिए। अमित शाह ने संबलपुर में कल कहा है कि भाजपा पांचवें चरण तक 310 सीट जीत चुकी है। किस आधार पे बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा दक्षिण है वो साफ हो चुका है। मैं उत्तर प्रदेश खुद रहा हूँ 10 दिन, वहाँ वो बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं। 62 सीट उनकी थी वो आधी भी नहीं रहेगी। हरियाणा वो बुरी तरह हार रहे हैं, दिल्ली पिछड़ रहे हैं, बिहार वो पिछड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में साफ हो चुका है। तो वो जीत कहाँ से रहे हैं जो 310 की दावा कर रहा है? वो 140 से ऊपर नहीं जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी जो सीट है बुरी तरह हार रहे हैं और बखलाहट में सब बोल रहे हैं। गौरतलब है कि भूपेश बघेल को रायबरेली का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था, जहां उन्होंने राहुल गांधी को जीत दिलाने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब बघेल हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिलाने निकल पड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बघेल की यहाँ एंट्री से कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है। दुर्ग से रघुनंदन पंडा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।